अल्लाम स्टूडेंट्स अभी तक इस कोर्स में हमने सोशल एंटरप्रनीरशिप के हवाले से ज़्यादातर जो गुफ्तु की वो थ्रू केस स्टडीज़ सक्सेसफुल इंडिविजल सोशल इंटरप्रन्योर्स उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज और जिस तरह से उन्होंने अपने सेटअप्स जो हैं वो बनाए और उनको कामयाब बनाया उसके थ्रू हमने बात की लेकिन एज एन एक्डेमिक डिसप्लन ज़रूरी है कि हम सोशल एंट्रप्रनीरशिप की जो थ्रीटिकल बैकग्राउंड है उसको भी समझें और उसको कवर करें इस सेशन में हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जो थ्रेटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो टेक्स्ट लिखी गई हैं जो मटेरियल हमें मिलता है उसके कमस कम अज़ कम छः मुख्तलफ सोर्सेज हमें नज़र आते हैं हम जरा उनको वन बाय वन कवर कर लेते हैं सबसे पहले सोशल एंटरप्रेन्योर्स खुद एक सोर्स हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से लिखने का राइटिंग्स का टेक्स्ट का लेकिन ये एक रेयर सोर्स है क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर्स बिजी हैं दे आर बेसिकली डूअर्स और वो लिखने का टाइम कम निकालते हैं और उनका जो लिखा हुआ मटेरियल है उसकी डिसमिनेशन जो है वो भी एक लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल है तो ये रेयर मटेरियल है बहरहाल ये कॉन्ट्रीब्यूशन थेरी में मौजूद है दूसरे नंबर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं एकेडमिक डेवलपमेंट को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से टेक्स्ट को इंस्पायरिंग स्टोरीज को केस स्टडीज़ को फॉर एग्जांपल बिल्ड रेटन फ्रॉम अशोका अशोका का बहुत रोल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में उसके हवाले से लोगों को इकट्ठा करके नए आइडियाज़ को डिस्कस करने उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उस मटेरियल को फिर पब्लिश करने के और डिसमिनेट करने के हवाले से तो दूसरा सोर्स जो है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तीसरा एक अहम सोर्स जो है वो खुद एकेडेमिया हैं टीचर्स रिसर्चर्स जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोर्सेज डेवलप करते हैं पढ़ाते हैं रिसर्च करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं पब्लिश करते हैं आपके पास जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इस कोर्स के हवाले से बुक्स हैं यह मटेरियल जो है उसका सोर्स एक्डीमिया है चौथे नंबर हमारे पास जो सोर्स है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के टेक्स्ट के हवाले से थेरी के हवाले से वो है जर्नलिज्म। सरप्राइजिंगली जर्नलिज्म ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की टेक्स्ट उसकी थेरी को प्रमोट करने में बहुत अहम रोल प्ले किया है ये वो सोर्स है जिससे आम आदमी को लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अवेयरनेस और नो मिली है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जो है वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी बहुत रेगुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो फ़ीचर करता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरीज उसके ऊपर जो हैं एकेडमिक जो डिबेट्स हैं फील्ड में उन सब को इसी तरह पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने कुछ अर्सा पहले एक न्यू हीरोज़ के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको ऑन एयर किया जिसमें 14 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और उनकी जो स्ट्रगल थी उसको उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की जर्नलिज्म के बाद एक और सोर्स जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के टेक्स्ट के हवाले से आता है वो बिजनेसेस और बिजनेसमैन एंड वुमेन हैं वो लोग जो अपने बिजनेस में अपने फील्ड में कामयाब हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं और फिर किसी स्टेज पर वो सोसाइटी को रिटर्न करने का सोचते हैं सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करने का सोचते हैं जैसे कि जब स्कोल की एग्जाम्पल है जो ई के फर्स्ट प्रेजिडेंट थे एज़ अ बिजनेस पर्सन बहुत कामयाब वहाँ से स्विच किया 1999 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉल फाउंडेशन की बुनियाद रखी जो सोशल एंट्रप्रन्योरशिप के मटेरियल को उसकी थेरी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से इम्पोर्टेंट रोल कर रही है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फिक्शन जी फिक्शन ने दरअसल सोशल एंट्रप्रन्यशिप के हवाले से वो गैप फिल किया है जो बाकी पांचों सोर्स में से शायद किसी ने भी फोकस नहीं किया फिक्शन में हमें स्टोरीज़ मिलती हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जो फैमिलीज़ का हिस्सा हैं जिनकी सोसाइटल ऑब्लिगेशन हैं जो एक नेटवर्क ऑफ सोशल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सर्वाइव करते हैं और साथ सोशल इम्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो मुख्तलिफ छः परस्पेक्टिव हैं इनको यहाँ पे इकट्ठा करके आपसे शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि कंपेयर किया जाए कि इनमें से कौन सा बेहतर है या कौन सा कमतर है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है ये आपसे शेयर करने का मकसद आपको बताने का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की थेरी बहुत मुख्तलिफ सोर्सेस से आती है और इस लिहाज से उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है थैंक यू